My question was that the camera one and the fingerprint one is the better, no? So can you give an example on that door on your hand, that how it works with the battery? Okay. Unfortunately, I don't have a battery system. You can give me that. बैटरी ले आओ ना। नहीं सर काम नहीं करती थी सुनो एक लेकिन मैं बार, फिर भी ऐसे दिखा सकती रिद्धिमा आप पूरा डेमो नहीं मांग रही है, वो बस ये दिखाना चाह रही है कि अगर पुल होता है तो बजर बजता फिर है। बजर बजता कैसे है और कैसे ये देखो ये इसके लिए टेप यूज करना पड़ता है रुको। हाँ अब रिद्धिमा देखना वो क्या कह रहे हैं ना गाइस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तो एग्जाम्पल अगर ये एक वॉल से जुड़ा है और ये डोर से जुड़ा है तो अभी ये डोर खुला ये बंद देखो पता था बैटरी काम नहीं करेगी वायर नहीं अटैच करके रखा तो बैटरी कैसे काम करेगी वायर अटैच एनी मोर हेल्प तो अनफॉर्चुनेटली इसका बजर खराब हो गया तो फिर ला सर्जरी वो डायग्राम समझा दो रिद्धिमा कह रही हाँ ये है। डायग्राम दिखाता हूँ तो ये दोनों ये स्टिक्स हैं वो जो प्लांट जैसे वो जो गोल सा बना हुआ है वो स्टिक्स हैं हाँ वो स्टिक है एक्चुअली मैं इसे एक ब्लॉकर बुलाता हूँ क्योंकि ये दोनों को अटैक दोनों को कनेक्ट होने से ब्लॉक करते हैं और ठीक है तो फिर ये दोनों वायर्स हैं जो बजर से कनेक्ट होते हैं और एक डायरेक्टली जब तुम बैटरी उसके से सामने कनेक्ट आ होते रहे हैं हो बजर से कनेक्ट होके ये बैटरी से कनेक्ट हो जाता है जिससे वो जब वो निकलता है ब्लॉकर तब वो बस करने लग जाता है ठीक है तो जब वो वर्क करने लगा वो क्यों नहीं वर्क कर रहा क्योंकि बजर खराब हो गया कैसे बजर कैसे खराब हो रहा है मुझे वो तो सही क्या है। पता अभी उसे खोल के चेक करना पड़ेगा मेरे क्वेश्चन कोई बात नहीं रहने दे मेरे क्वेश्चन है इसमें स्विच लगाने का कोई सेंस क्यों नहीं था हाँ तुमने बोला था क्या ऐसा क्योंकि कुछ क्योंकि इसने भी मेरे से वही क्वेश्चन पूछा था कि अगर स्विच स्विच में किसी ने ऑन करना ही भूल गए तो फिर कैसे तो फिर जोरदार हमें कैमरे यूज करना चाहिए ये ज्यादा आपको मार्केट में शायद सस्ता भी पड़ सकता है और लेकिन अगर स्विच नहीं है तो मैं इसे ऑफ कैसे करूँ वो बैटरी से जस्ट तो फिर वापस इसके अंदर डाल देना ब्लॉकर तो हम उठकर जाए बैटरी डिस्कनेक्ट करें और लॉकर फिर से डालेंगे इससे अच्छा फिंगरप्रिंट वाला या वो वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट आई होगा थिंक अगर स्विच होगा क्योंकि तो बस वो ये बेनिफिट देगा कि आपके कन्वीनियंस पे होगा। अगर आप ऑन करना उसे भूल जाते हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, उसे ऑन करना नहीं भूलना है, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि ऑफ करने के लिए तो आपको कोई बटन चाहिए जिसे तो आप फॉर ऑफ कर एग्जांपल सकते। अगर आपने भूल भी गए हैं तो फिर तो ऐसे ऑन करना जब आप भूल जाओगे और कोई इंट्रूडर आ गया तो वो तो तुम सेफ कह रहे बात है हो, तो तुम ही कह रहे हो बाय डिफॉल्ट ऑन रहना चाहिए, हाँ बाय डिफॉल्ट कि आप उसे ऑन ही रखो। या फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दो तो स्विच और बैटरी का एक ही पॉइंट है कि स्विच को भी ऑफ करना अगर भूल गए या बैटरी से भी डिस्कनेक्ट करना भूल गए या बैटरी से डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करना भूल गए तो स्विच और बैटरी इस पॉइंट में सेम ही हो रही है पर बाय डिफॉल्ट ज्यादा इसे ऑन करना ही रहने दो ना हाँ दैट्स व्हाट। तो ठीक है बस ओके अब इसमें हम स्विच पता है कब लगा सकते हैं रात में जब सब घर पे होते हैं रात में हम सब घर पे लगा सकते हैं रात में स्विच तो जब रात में तो हमें पता है कि रात में तो कोई आएगा तो तो सब ऐसे सोए स्टेट हुए में तो कैसे अगर बात कोई करें आएगा तो वो अगर कोई आएगा तो वो बच जाएगा तो वो कैसे हाँ बनेगा तो फिर क्योंकि पता स्विच चला अगर तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर टूर पे है और आज रात ही वो वापस आ रहे तो पता चला उनके से पहले कोई इंक्लूडेड हाँ सो माइट बी अ डिसएडवांटेज बट व्हाट ही इज सेइंग इज आल्सो वन ऑफ द वैलिड पॉइंट्स। पॉइंट इज दैट उसका पॉइंट वैलिड है। हाँ ठीक है उसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। स्विच हम जरूरी थोड़ी ना कि हमें डोर लगाना उसी के पास में हम घर व्हाट पर इफ जेड भी लगा सकते हैं घर के
के अंदर भी लगा दिया। लक्ष्मी कुछ पूछ रही है बेटा, ध्यान नहीं दे। हाँ ध्यान नहीं दे। तो हम घर के मतलब ऐसे थोड़ी ना जरूरी है कि हमें डोर अलार्म के पास ही लगा दे स्विच, हम घर के अंदर भी लगा सकते जिससे हमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें अपने डोर के बाहर लगाना है, मतलब अंदर की साइड लगा दो, बाहर लगाओ तो चोर को पता चल जाए। कुछ और कह रही बेटा, लिसन टू मी। क्या कह रही, मैं सुन रही हूं। तो मेरा जरूरी थोड़ी ना हमें गेट के पास लगाना, थोड़ी ना हर गेट इतना पास होता है, मतलब घर के गेट्स तो दूर दूर भी हो सकते हैं, तो हम घर के अंदर स्विचेस लगा लें। जो अलार्म का स्विच है शी इज सेइंग कि अपने बेड के पास है, नहीं दूर भी लगा, स्विच तो दूर भी आ सकता है, वायर लंबा खींच जाए। हाँ तो फिर कर सकते हैं ना। हाँ तो फिर या तो अगर आप तो आपका मतलब है कि इससे बार बार अगर स्विच लग भी गया तो बार बार इसके पास जाके बंद नहीं करना चाहिए और सभी अंदर कर सकते हैं। हाँ बार बार मेन डोर पे तो फिर उसके लिए लंबा वायर यूज कर सकते। उसके लिए बहुत सारे कनेक्शंस करके हर कनेक्शन में एक एक स्विच लगा दो ना, या फिर एक से ज्यादा करना है तो दो वायर। बट अगर जब पॉइंट ही इज आस्किंग फॉर मल्टीपल स्विचेस फॉर द सेम टास्क, अलग फॉर एग्जांपल किसी भी प्रॉब्लम को माफ कर सकते हैं। चांसेस है कि इतने से स्विच लगाओगे तो चांसेस है कि एक शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट या हो सकता है एक स्विच अगर ऑफ रह गया। नहीं मैं सीरीज कनेक्शन की बात कर रहा हूं, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा है। इट कैन बी डन। पैरेलल कनेक्शन ऐसा, व्हाट इफ अगर किसी आदमी ने डोर को बट एट डिफरेंट प्लेसेस। यस आई सीन दैट। मैं ये लिसन, व्हाट इफ किसी आदमी ने आधा डोर छोड़ दिया और उनके घर पे कोई डॉग हो तो अगर उसने धक्का मार के गेट खोल दिया तो तब भी बच जाए। नहीं दैट्स अ डिसएडवांटेज राइट, हाउ कैन वी इंप्रूव दैट। नहीं मैं आपको क्वेश्चन फिर समझाना वापस। यानी इंट्रूडर अलर्ट जो है ये पुलिस स्टेशन में भी तो सेटअप हो सकता है घरों के लिए, जिससे जो अथॉरिटी है जो जो ये पुलिस है बेसिकली जो प्रोटेक्ट है एसओएस टाइप्स है ना। हां और मे बी कोई सेंटर कुछ हो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन्स का वॉचमैन का कोई गेट है वहां पे अलार्म बजा उसको पता चलेगा इस फ्लैट का बज रहा है, ही कैन गो टू दैट। हां सो उसके लिए अगर आप पुलिस को कॉल करना चाहते हैं इसके लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप एक स्पेसिफिक इसके बजने पे स्पेसिफिक सिग्नल ये डायरेक्टली 911 को कांटेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट कि डायरेक्टली वहां वो बट ऐसा कंट्रोल रूम होगा। हां तो उसमें कोई पुलिस में एक कंट्रोल रूम है तो वहां से वो सारे कैमरा वाले जो भी है वो कनेक्ट कर दो, तो जब भी कोई आएगा तो यात्रा वजह से जो रूम है जिसमें सारे कनेक्टेड है वहाँ पे कोई और नहीं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर कर वो कॉल कर दे मतलब पुलिस का कॉल करते। यस उसी को कंट्रोल रूम बोल रहा हूँ जहाँ से कंट्रोल होगी। जब हम रात में सोएंगे तब ये हम इसका स्विच ऑन करके सोएंगे तो ये बजता ही रहेगा, बजता ही रहेगा तो बजना ही चाहिए ना, बजना ही चाहिए भाई। तो तभी तो तुम्हारी अभी पता चला तुम लोग सो सब लोग सोते जा रहे हैं क्योंकि जब बज भी रहा है तो सोते ही जाओगे पूरा चलो सुबह तक घर में कुछ बचा। पॉइंट ये सही है कि बजता ही रहेगा तभी तो आदमी उठ के उसको ऑफ करेगा। आप सब लोग घर आ चुके हो, घर के अंदर हो और आपको पता है कि अब कोई नहीं आने वाला, पापा आ चुके हैं, मम्मी आ चुके हैं, भाई बहन जो भी थे सब आ चुके हैं घर पे, रात को तुम सो चुके हो, अब अगर अलार्म बजता है तो कितने चांसेस हैं कि कोई इंट्रूडर है, अनवांटेड आदमी है। 90% पहले मेरी बात से जवाब, कितने चांसेस हैं?
जब सब घर में है तुम्हें पता है कोई नहीं आने वाला है, अभी कोई मेहमान नहीं आने वाला, तुम्हें मालूम है कोई दोस्त नहीं आने वाला, कोई नहीं है, और कोई बिना बेल बजाए अगर इस तरह से अंदर घुस रहा है तो गलती है ना, वो पता चलना चाहिए ना, वरना बेल बजाता। बच्चों मेरा वो पॉइंट ही नहीं है सर, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे डोर पे लगाएंगे सर और हम सब अंदर आ चुके हैं तो सर हम अगर स्विच ऑन करेंगे तो सर वो किसी बिना थीफ के आए भी बचता ही है। वो स्विच ऑन करने से नहीं बच रहा है, वो ब्लॉकर भी तो है, जब तक वो ब्लॉकर हटेगा नहीं तब तक वो बजेगा थोड़ी। मैं समझ गया, तो दिमाग को ये लग रहा है कि अगर स्विच ऑन कर दिया तो वो बजेगा, वो स्विच ऑन करने से बज नहीं रहा है। तो जैसे वो डोर खुलेगा वो कब बजेगा? हाँ। स्विच ऑन का तो मतलब है कि अलार्म एक्टिव कंडीशन में एक्टिव है कि मतलब बजेगा ऐसा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास स्विच ऑफ तो ठीक है।